राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है शिवानी गुप्ता के ऊपर होगी। शिवानी गुप्ता जो है एक इंडियन बॉडी बिल्डर हैं, फिटनेस मॉडल हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके जो मिलियंस में भी फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, और वे जो है एक सक्सेसफुल फीमेल बॉडी बिल्डर हैं। शिवानी ने जो पार्टिसिपेट किया था और अपना जो है अवार्ड भी जीता था, बिकनी एथलीट मिस दिल्ली गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ये मिस एशिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हैं और मिस विजय क्लासिक जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। और ये जो फ़िलहाल अपना जो है टाइम ज़्यादातर जो है फिटनेस पर ही ध्यान देती हैं। और इसके अलावा जो है इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर की बात करें 1.2 मिलियन फॉलोवर हैं। अपनी मस्कुलर और बॉडी और हार्डवर्क के लिए जानी जाती हैं और उनकी जिमिंग काफ़ी अच्छी है। और उन्होंने स्टार्टिंग जो टिकटॉक से की थी, जहाँ पर उनकी जो साइकिलिंग और जिमिंग की वीडियो आती थी। बात करें जो है शिवानी के जन्म की, 12 अक्टूबर 1994 को इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। शिवानी जो है इंडियन सिटीजन है और हिंदू धर्म से जो है रिलेटेड है। अपनी जो है यंग एज में ही इन्होंने जो काफ़ी फॉलोअर्स पाए हैं और अच्छी बॉडी भी। वे जो है अपनी एक मीडियम क्लास फैमिली में जो है पली बड़ी हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं। फिलहाल ये जो हैं जिम ट्रेनर भी हैं। नाम जो शिवानी गुप्ता, फिलहाल जो 27 साल की हो चुकी हैं, दिल्ली इंडिया की रहने वाली हैं। पिता का नाम जो सुंदर गुप्ता, माता का नाम टीना गुप्ता, बहन का नाम जो सोनिया गुप्ता। बात करें जो है इन्होंने जो है MS दिल्ली YMCA का जो 2018 में अवार्ड जीता था। और इनके इंस्टाग्राम पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं और ये जो हैं पेड प्रमोशन भी करती हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। 5 फुट 6 इंच हाइट है, 65 किलोग्राम वजन है। अनमैरिड है फिलहाल ये। इंस्टाग्राम अकाउंट जो है नोट कर लो, शिवानी गुप्ता 3567। टिकटॉक अकाउंट जो बैन हो चुका है। फेसबुक अकाउंट शिवानी गुप्ता, रोपोसो ऐप पर भी है शिवानी गुप्ता के नाम से। टॉम क्रूज इनको काफ़ी पसंद है, वेजिटेरियन है। फेवरेट सिंगर जो है निधि मोहन, फुटबॉल जो इनको काफ़ी पसंद है। फेवरेट प्लेस जो है अमेरिका। अभी तक जो है इनके बारे में इतनी जानकारी है, अगर आगे कोई जानकारी आती है तो इसके बारे में जो अलग से वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।